हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसा व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फूलपुर में, जो कि नानी का घर है हमारा। आप लोगों को बताया था कि मैं जाने वाला हूं, तो मैंने रास्ते को आपको नहीं दिखाया था, और जहां शादी थी वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि यार गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी और घर की शादी थी, तो काफ़ी लोग भाग दौड़ कर रहे थे, इस चक्कर में मैं ज़्यादा शूट वूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं घर पहुँचा हूँ, नानी के यहाँ बैठा हूँ। सब लोग सारे छोटू हम लोग के साथ हैं, सब हैं, बैठे हैं सब। और ये यहाँ पे गेम चल रहा है, IGI खेल रहे हैं हम लोग। तो अभी दोस्त बैठे हैं और उमर हमारे हमको सिखा रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस टीचर। बस हो गया, इतना ही बोल रहा था। अभी तुमको स्नाइपर कहाँ से मिली? चलिए जो होता है जैसा होता है दिखाते रहेंगे आप लोग को। एक ब्लॉग हमारा कल आने वाला है, तो कल आप लोग देख सकते हैं, जो कि 18 तारीख का होगा। ये ब्लॉग आएगा 20-21 के आसपास। तो चलिए गाइस, तो अभी हम लोग आए हुए थे, कल पूरा दिन निकल गया, खेलते कूदते रह गए। तो अभी हम लोग आए हुए थे हीरा खाला को छोड़ने, तो वो जा रही हैं वापस। तो कल ही के लिए थी वो, तो कल हम लोग आ गए थे, मिल विल लिया, तो अब वो जा रही हैं वापस। तो मैं आया हुआ था रेलवे स्टेशन आया हुआ था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा इंजन खड़ा हुआ था, तो मेरे अंदर चुल की बहुत बड़ी एक आग है कि मतलब मेरे अंदर चुल मचने लगती है। तो मेरा सोच है कि दरवाज़ा खुला है, तो एक बार अंदर देख के आते हैं क्या है। तो चलिए देख के आते हैं क्या है। अब सोच लिया है तो करना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं। मतलब मेरे पापा का लिंक है रेलवे में, सब कुछ है, लेकिन आज तक कभी मैं इंजन के अंदर नहीं गया। और यहाँ पे मौका मिल रहा है कि खुला हुआ है, लेकिन आसपास कोई होगा तो होगा, जब चिल्लाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी देखते हैं अंदर जाके। चलो चलो चलो, एक मिनट लिए रुकिए। इधर फॉर वाटर स्प्रे कूल। बाबा यार इंजन के अंदर आ गया हूँ मैं। ये सब सिमुलेटर खेला है हमने, लेकिन ये पहली बार देखे। हॉर्न, अच्छा हॉर्न ये होता है, ये गियर होगा मेरे ख्याल से, ये जो भी होगा समझ नहीं आ रहा। अप्लाई, रिलीज, इमरजेंसी स्टॉप भी है बटन इसमें। यहाँ पे पूरी मीटर लगा हुआ है, ये 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 लगा हुआ है। बढ़िया है यार, कैसे चलाते हैं। वाइपर भी है, मस्त, मज़ा आ रही है। तो आइए एक सेल्फी में बात करते हैं। तो भाई ट्रेन के अंदर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। और यार बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, ऑन ऑफ फलाना नमका, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे लाइक पीछे मॉनिटर है, पता नहीं किस यूज़ में आता हो। यहाँ पे लीवर्स हैं, पीछे RO पता नहीं क्या है, हॉर्न का मुझे समझ आ रहा है। बाकी बहुत चीज़ें हैं, पंखा है, और भी चीज़ें हैं। ऊपर AC भी है, यहाँ से कंपार्टमेंट भी है। मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट खोल के देखना चाहिए। कंपार्टमेंट, अच्छा अंदर इंजन बॉक्स, अंदर इंजन बॉक्स है, अंदर इंजन बॉक्स है। ये सब मुझे क्या देखने को मिल रहा, मुझे लग रहा कोई अभी मुझे यहाँ से उठा के लेके जाएगा। अंदर इंजन बॉक्स है पूरा, गजब गजब। अब अंदर नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन बढ़िया है, अंदर इंजन बॉक्स है। चलूँ क्या अंदर, जाऊँ क्या यार, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो इग्नोर करते हैं, यहीं तक सीमित अच्छा था। सामने धोबी घाट है, सामने खालू और साथ खड़े हैं। यहाँ पे धोबी लोग वो करते रहते हैं, मौका मिल गया मैंने कल आई, आपको दिखा देता हूँ। अब उतरना यहाँ से बहुत बड़ा टेक्निक होगी, क्योंकि बहुत ऊंचा है ये। ए! कुछ खाने के लिए लेके आओ, नहीं खाने के लिए सॉरी, खेलने के लिए। तो क्या करें बताओ, करो करो करो, नहीं खुद ही करो, अब क्या करें। अरे चलो, इतने में तुम्हारे हाथ निकल जाएगी, रहने दो। यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है, काहे के लिए खोदा, काहे के लिए खोदा जा रहा है ये भी तो बताओ। बांस डालने के लिए खोदा जा रहा है। अबे बांस से क्या होगा, अबे ऐसे बनता है वीडियो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ यूट्यूब का वीडियो ऐसे बनता है। हाँ। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ बाँस को अंदर डालने के लिए गड्ढा कर रहे हैं। फिर ये जो आपको पेड़ दिख रहा है जो टेढ़ा हो चुका है, इसको हम लोग को सीधा करना है। वैसे यहाँ पे खूब आंधी तूफान आया था, इसकी वजह से ये सब बहुत ख़राब हो चुका है। तो यही काम हो रहा है। जाओ तब तक नए दोस्तों से मिलवाओ इनको, वो कबूतर। ये हमारे कबूतर और ये एक और कबूतर, हमारी मुर्गियाँ। ये एक्साइटेड है ब्लॉग में आने के लिए। चलिए वापस चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आया हुआ था ऊपर और मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके रखा है। यहाँ यार बहुत अच्छी हवा चल रही है, प्लस साथ में इतना अच्छा आपको वो दिखने को मिलेगा ना, एक मून, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। आगे आपको दिखाता हूँ। आवाज़ जो आ रही होगी इसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा। ये दिखा दो सारी चीज़ें। तो ये हमारा हमेशा का है कि जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं और दिवाली पास होती है तो हम लोग अधिकतर लेके आते हैं बम बम थोड़ा जगाते हैं। हमारे साथ जो उम्मू है, बासिम को हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं। बासिम यहाँ है नहीं, वरना वो होता तो और मज़ा आती। वो चला गया काफ़ी दूर। तो चलिए इसको जलाते हैं, एक दो शॉट्स आप लोगों को दिखाते हैं। अनार घर वालों के सामने जलाया जाएगा, ये सब अभी यहाँ फोड़ा जाएगा। तो चलिए चलते हैं।